हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। तो आज का जो टॉपिक है वो है हॉट वाटर, यस गर्म पानी या फिर गुनगुना पानी भी हम इसे बोल सकते हैं। तो आप सबको पता है हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, पर हम पीते नहीं हैं, एक बार भी नहीं पीते, एक ग्लास भी नहीं पीते, क्योंकि वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। कितने लोग तो पी ही नहीं पाते हैं, तो कैसे पियेंगे भला, कैसे अच्छा लगेगा, कैसे हम पी पाएंगे गर्म पानी। लेकिन दो ग्लास तो पी ही सकते हैं ना, सारा दिन ना पी सकें एटलीस्ट दिन का दो ग्लास तो पी ही सकते हैं ना, बस सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दो ग्लास, बस दो ग्लास पीना है। फ्रेंड्स, ये जो गुनगुना पानी होता है इसके इतने फायदे हैं ना कि आप अगर जान जाओ तो आप बिना पिए रह भी नहीं पाओगे। और हमें पीना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका भी एक टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, इट शुड बी 120 डिग्री टू 140 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। इसका टेम्परेचर इसके बीच में ही होना चाहिए, यस। तो मैं आज आपको बताऊंगी गर्म पानी पीने के कितने सारे फ़ायदे हैं और क्यों हमें गर्म पानी पीना चाहिए। हम चाहें तो एक बॉटल भी कैरी कर सकते हैं कॉलेज, स्कूल, या फिर अगर हम कहीं बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं, बस एक अच्छा सा बॉटल आप ले लीजिए। एक बॉटल में आप हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए और जब भी आपको प्यास लगे थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए। एस आपको स्टार्टिंग से आदत नहीं लग पाएगी, आप चाहोगे कि मैं एक बार में ही गर्म पानी स्टार्ट कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, बट पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो बिल्कुल हम करेंगे और चलिए मैं आपको बताती हूँ उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गर्म पानी के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे पीने से हम अपने लाइफ में कितने खुश रह सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं गर्म पानी एक वरदान है जिसे अगर हम अपने डेली लाइफ में शुरू करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, अगर आप डेली गर्म पानी पियो तो उसके कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लीन रहेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो गर्म पानी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, और वो पानी ही पीकर सिर्फ आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, बस आपको सही टाइम पर सही मात्रा में पीना पड़ेगा। अगर आप हर टाइम गुनगुना पानी पियेंगे तो वेट लूज़ करने में और ज़्यादा आसानी होगी आपको। अगला जो फ़ायदा है वो है, जब कभी भी हम थक जाते हैं या एज होने पर जोड़ों में दर्द की समस्या बनी रहती है, अगर गुनगुना पानी आप पीते हैं तो वो दर्द से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अगला फ़ायदा ये है, अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा और आपके शरीर में बहुत ही फ़ायदा होगा। गर्म पानी पीने के अद्भुत फ़ायदे हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अहम चीज़ है हमारे लाइफ में। सर्दी और जुकाम की बार बार प्रॉब्लम बहुत किसी को होती है जिनको साइनेक्स होता है खास करके, अगर नियमित रूप से गर्म पानी पियेंगे तो ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आप ऑल टाइम हाइड्रेटेड रहेंगे, बस आपको हर वक्त गर्म पानी पीना है, और अगर संभव ना हो तो दिन भर में 3 से 4 ग्लास गर्म पानी ज़रूर पिएं। दांतों की समस्या है तो गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपके दांत पर जो पीलापन होता है वो कभी रहेगा ही नहीं, नियमित रूप से गर्म पानी पीने से वो चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एज तो 20 है बट हम दिखते हैं 30 के हैं, अगर आप गर्म पानी पियेंगे ना फ्रेंड्स तो आपकी एज भी कम दिखेगी, आप बिलीव नहीं करोगे, एज भी कम दिखेगी और लोग आपको सोचेंगे कि आप कितने कम एज के हो, और स्किन में तो आपका ऐसा ग्लो आएगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते। कोई भी क्रीम आपको ऐसा ग्लो नहीं दे सकती जैसा कि गर्म पानी पीने के नियमित रूप से आपको मिलेगा, इसके लिए बस नियमित रूप से आपको हर दिन पानी पीना है। अगर आपको हेयर की समस्या है और डैंड्रफ की समस्या है तो गर्म पानी एक रामबंद इलाज है उसके लिए। अगर आप नियमित रूप से गर्म पानी पीते हैं तो आपके बाल लंबे घने होंगे और डैंड्रफ की जो समस्या होती है
वो समस्या हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके बाल भी सिल्की और स्मूथ रहेंगे। एसिडिटी गैस ये बहुत ही कॉमन समस्या है। अगर आप नियमित रूप से गर्म पानी पियेंगे तो ये समस्या से भी आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी। ज़रा सा काम करने पर थक जाना और भूख का ना लगना। भूख ना लगना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। खाने का मन ही नहीं करता, थकावट लगता है। गर्म पानी पीने से ये समस्या भी दूर हो जाती है। जब कभी हमें फीवर आता है, फीवर के टाइम हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए। फीवर के टाइम गर्म पानी पीने से हमारा फीवर कुछ ही देर में गायब हो जाएगा और ज़्यादा मेडिसिन लेने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टायर्डनेस हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में काम करने से। गर्म पानी पीने से ये टायर्डनेस बिल्कुल नहीं रहेगी और आप एनर्जी फुल रहोगे और अपना काम भी अच्छे से कर पाओगे और कॉन्सनट्रेट भी कर पाओगे। रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जितना कि सुबह आप जब जाते हो, उठते हो तो पीते हो। रात को गर्म पानी पी के सोने से नींद भी अच्छी आती है। गर्म पानी पीने की ना आदत हो तो सुबह उठकर एक गिलास, रात को सोने के पहले एक गिलास और एक अच्छा सा वाटर बोतल आप रख सकते हैं। उस वाटर बोतल में आपको गर्म पानी लेकर कैरी करना है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा भी जब आपको मन करे तो आप पानी पिए गर्म। इससे आपको बहुत सारे अद्भुत फायदे होंगे। बहुत ही ज़रूरी है इसको अपने डेली रूटीन में ऐड करना फ्रेंड्स। तो देखा ना आपने कितने सारे फायदे हैं गर्म पानी पीने के। तो क्यों ना पिए हम गर्म पानी। बस अगर आप ज़्यादा नहीं पी पाएंगे तो सुबह उठने के बाद एक गिलास प्लेन गर्म पानी और रात को सोने के पहले एक गिलास प्लेन गर्म पानी, बस इतना ही पीना है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको आदत लग जाएगी ना तो आप पीने लगोगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल टेस्टी नहीं होता, बट इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगी, आप अपने डेली लाइफ में इसको ज़रूर ऐड कीजिए, ज़रूर शामिल कीजिए। आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखिएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खुद भी कीजिए, अपने फैमिली को भी करवाइए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिए। बाय।